हेलो दोस्तों, वेलकम 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 बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा भाई, खबर आई थी जी, खबर कह लो या बनाई थी लोगों ने, खबर क्या थी और कहां से वो क्या बना दिया, हाइप इतनी क्रिएट कर दी उस चीज की कि कुछ और ही बना दिया। बात की थी भाई कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के ड्रॉ, सीसी क्लास के भाई, सीसी के ड्रॉ पीआर को लेके। आपके याद होगा जी, जो भाई पहले एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉ आते थे उसमें भाई एक अलग से ड्रॉ आता था, एक एफएसडब्ल्यू भाई फेडर स्किल जो वर्कर प्रोग्राम है जी, ठीक है, वो ड्रॉ आता था, एक सीसी जिनका कनाडा में एक्सपीरियंस है भाई, ठीक है जी, तो उसके लिए भाई ड्रॉ आता था जो कनाडा में है, ठीक है जी। अब बहुत सारे टाइम से, बहुत भाई मतलब टाइम क्या सालों ही हो गए, वो ड्रॉ नहीं आ रहे। अब उसके चक्कर में क्या है भाई, डिफरेंशिएट नहीं हो पा रहा जी, जो कनाडा में ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको ना फायदा नहीं मिल रहा अलग से कुछ। तो जी बातें कुछ चली थी, इमिग्रेशन मिनिस्टर साहब ने भी एक मीटिंग के टाइम पे कहा था कि भाई उनको जो यहाँ पे लोग काम करते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो बट भाई कोई ऑथेंटिक वो नहीं था कि भाई ये चीज होगी, ये चीज ऐसी होगी, ये चीज वैसी होगी, तो वो चीज ऐसे कुछ था नहीं, ठीक है ना। तो जी क्या हुआ इस चीज को लेके कि जी भाई लोगों ने, उन्होंने जस्ट डिस्कशन की थी, लोगों ने कर दिया कि भाई एक्सप्रेस एंट्री के जो सीसी वाले ड्रॉ है ना, ये आने स्टार्ट हो जाएंगे। लोगों ने भाई रील पे रील, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे वीडियोस, ये वो, मैंने उस टाइम पे भी कहा था कि अभी भाई इतनी जल्दी मत करो, अभी तक इन्होंने ऐसे कोई भाई अपडेट्स नहीं दिए हैं जिससे हमें ये क्लियर हो जाए कि भाई कब ड्रॉ आने हैं, या फिर ड्रॉ भाई दोबारा से स्टार्ट, सीसी वाले ही ड्रॉ स्टार्ट होने, या फिर इनकी कोई और प्लानिंग है भाई, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये तो भाई बात ही नहीं हुई थी कि भाई सीसी के ड्रॉ स्टार्ट होने, एक्सप्रेस एंट्री के सीसी वाले ड्रॉ स्टार्ट होने, ये तो कुछ डिस्कशन नहीं थी, लोगों ने अपने आप अज्यूम कर लिया, देखने वालों ने मान भी लिया। मैंने उस टाइम पे भी समझाया था कि भाई ऐसे चक्रों में मत पड़ो, जबकि न्यूज आएगी, इंफॉर्मेशन आएगी, नैसी संगेर आपके सामने पहुंच जाएगा जी, बातें शाते करने के लिए पहुंच जाएगा जी। बातें वही हुई, अभी तक कोई ड्रॉ नहीं आया, और आने वाले टाइम में भी कोई ऐसी भाई उम्मीद फिलहाल मुझे लगता है नहीं रखनी चाहिए, ठीक है जी। हो सकता है भाई किसी और फॉर्म में आए, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं है, कोई न्यूज नहीं है भाई, ठीक है। और ऐसा भी नहीं भाई लग रहा कि आने वाले टाइम में वो चीज हो जाएगी, पता नहीं लोगों को कहां से न्यूज मिल रही है, कैसे मिल रही है, कौन बता रहा है, कैसे बता रहा है, बट भाई इमिग्रेशन की तरफ से ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई न्यूज नहीं है। और आने वाले मुझे लगता है भाई एक दो तीन चार पांच महीनों तक भाई अब लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होगा, ठीक है। हाँ, जैसे कुछ होने वाला होगा भाई, इनकी ना फिर स्टेटमेंट्स भी आनी स्टार्ट हो जाती है, तो हमें आइडिया हो जाता है कि नहीं भाई कुछ ना कुछ होने वाला है, बट अभी तक ऐसा कुछ है नहीं। तो मैं क्यों आज ये पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं, बहुत सारे लोग ना इसी चक्कर में अपना करियर खराब कर रहे हैं। कैसे खराब कर रहे हैं, स्कोर उनका बनता है कम, जनरल कैटेगरी जो अभी भाई ड्रॉ आ रहे इतने हाई, उतना स्कोर उनका है नहीं, तो उनको उम्मीद लगी हुई है जी कि भाई हम ना इतना हमारा नंबर है जी, हमारा तो भाई सीसी वाले ड्रॉ में आ जाएगा भाई। वो ड्रॉ ही स्टार्ट नहीं हुए, क्या होना है उसका सिस्टम, क्या उसकी एलिजिबिलिटी होनी है, क्या होगा क्या नहीं होगा, नया प्रोग्राम है, पुराना स्टार्ट है, क्या भाई कुछ नहीं पता अभी क्या होना है क्या नहीं होना, ठीक है। और उन्होंने पूरा अपना करियर उस चीज पे टिका के रख दिया कि भाई सीसी वाले ड्रॉ स्टार्ट होंगे जी, हमारा नंबर उसमें आ जाएगा, डन। ये भी नहीं पता उसका सीरा जाना कितना है, अगर हो गया हुआ भी स्टार्ट चलो, तो भाई ये बहुत रिस्क वाला काम है, ठीक है। ये तो आप ये लगा कि चलो भाई एक ऑप्शन है आउट ऑफ द बॉक्स कि भाई हो गया तो ठीक है जी, हमारा नंबर बन जाएगा, वरना जी हमारा ये मेन, हमारा जो प्लान है, हमारा मेन प्लान ये है, हमारा मेन प्लान है फॉर एग्जांपल भाई पीएनपी का, किसी का हमारा मेन प्लान है मान लो भाई किसी का कि मुझे भाई जनरल कैटेगरी का स्कोर उतना बनाना है, मेरा मेन है जी। मान लो भाई किसी ने जो छह कैटेगरीज है, मैंने मान लो कि किसी ने कहा कि मुझे फ्रेंच सीखनी है, मुझे उसमें भाई पीआर लेनी है, ये आपका मेन प्लान होना चाहिए, रेदर देन कि भाई वो हाइपोथेटिकल चीजें आप सोची जाओ दिमाग में, अपना अजम्पशंस बनाई जाओ, चीजें करी जाओ जिसका कोई भाई वैल्यू नहीं है, जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता,
ठीक है, तो अभी के लिए तो भाई यही है, सीसी ड्रॉ के लिए भाई कोई अपडेट नहीं है, मुझे लगता भी नहीं है कि आने वाले टाइम में जल्दी लाइक इन नियर फ्यूचर ऐसा कुछ होने वाला है। जैसी कोई अपडेट आती है, जैसी कोई न्यूज आती है, हम आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करेंगे, बट अभी तक भाई ऐसा कुछ है, अभी तक ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ये भाई अपने दिमाग में बिठा लो और उसी हिसाब से भाई प्लान करो, एंड भाई इधर उधर की बातें सुन के ऐसे अपना करियर मत खराब कर लो, ठीक है। बाकी और ऐसी अपडेट्स के लिए भाई अपने के चैनल को आप फॉलो करो भाई। वीकेंड हो गया जी शुरू, फ्राइडे की बड़ी खूबसूरत इवनिंग है, और आप भी भाई इंजॉय करो, हम भी भाई सैटरडे संडे इंजॉय करेंगे, फिर नेक्स्ट वीक मंडे शुरू हो जाएगा जी। तो भाई तब तक आप वीडियोस देखो या चैनल पे, वो सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। आई सी यू नेक्स्ट टाइम इन टॉपिक एंड डिस्कशन। इन दिस स्टे कम, बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड, दोबारा मिलते हैं गाइस, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय, हैव अ ग्रेट वीकेंड।